Hello everyone, good morning. Today's subject Hindi. But today's topic आम से अंगूर का variety. तो चलो आम से अंगूर से और क्या? एक तो आम से अंगूर होता है, दूसरा क्या होता है? आम से अंडा भी होता है, आम से अंगूर और आम से अंक भी होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम गिनती भी बोलते हैं. चलो एक बार हम गिनती का और कर लेते हैं. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ. तो ये हमारी गिनती भी हो गई. चलो आज हमें क्या करना है? आज हमें आम से अंगूर का राइटिंग करना है. तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. तो उसमें पहला स्टेप क्या आता है? आपको कर्व और सेकंड कर्व बनाना है. फिर यहाँ पे फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन. उसके बाद मैं इसे बोलूं कि आपको ऐसे अनार बनाना, तो भी चलेगा. फिर यहाँ से अनार बन जाए, फिर आपको क्या करना है पता है? सिर्फ एक स्टेप बचता है. फिर देखो ये ऐसे अनार हो गया. फिर हम क्या कर सकते हैं? ये ऐसे अनार हो जाए, फिर यहाँ पर हमें डॉट बना दे, तो क्या हो गया? ये आम से अंगूर. चलो अब हमें हिंदी की नोटबुक निकालनी है और हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे सी डॉट डब्ल्यू और यहाँ पे आज की डेट डालनी है. फिर क्या लिखा है? अम लिखो. चित्र पहचान और अक्षरों में रंग भर. तो ये किसका पिक्चर है? अ से अंडा का. फिर यहाँ पे हमें अम लिख के दिया है, उसमें हमें क्या करना है? अब तो आप सबको भी पता होगा क्या करना है. उसमें हम कलर करते हैं. कौन सा कलर है ये, कौन बताएगा? ऑरेंज कलर है. कौन सा? और आपको आपका फेवरेट कलर करना है. चलो अब हमें क्या करना है? हमारे यहाँ पे कलर हो जाए, फिर हमें देखो क्या लिखा है. अम अक्षर की रचना सीखो और लिखो. तो हमने बोर्ड पे देखा ना कैसे बनाया था ये सारी रचना. हम फिर एक बार इसे ट्रेस कर लेते हैं. चलो फिर ये ऐसे अनार आया और यहाँ पे ऐसे अनार बनाया है और ऊपर ऐसे डॉट बनाना है. देखो ये सारे स्टेप भी फिनिश हो गए और हमारा आम से अंगूर भी बन गया. फिर आपको नीचे भी ट्रेस करना है अच्छे से. चलो ट्रेस हमें अच्छे से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है. और जब हमारा ये सारा का सारा ट्रेस हो जाए, फिर हमें क्या करना है? फिर हमें नीचे अपने आप लिखना है. देखो ये लाइन में पहले मैं नंबर दे देती हूँ, 1 2 3. तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ पे 1 लिखा है, वहाँ से हमें फर्स्ट कर्व बनाना है. फिर यहाँ से ये 2 से स्टार्ट करके 3 तक हमें सेकंड कर्व बनाना है. फिर ये बीच वाली लाइन में स्लिपिंग लाइन और फिर यहाँ से फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक ऐसी स्टैंडिंग लाइन बनानी है और फिर ऊपर से ऐसी छोटी सी स्लिपिंग लाइन और यहाँ पे ऐसे डॉट बना देना. हमें सभी में ऐसे अच्छे से आम से अंगूर बनाने हैं. चलो ये हमारा टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो गया. ऐसे ही हमें नोटबुक निकालनी है और यहाँ पे सी डॉट डब्ल्यू और यहाँ पे आम से अंगूर और यहाँ पे आज की डेट. फिर हमें यहाँ पे ये जो बड़ी वाली लाइन है उसमें अपने आप आम से अंगूर लिखना है और अच्छे से लिखना है और हमें बाहर भी नहीं निकालना है. और ये डॉट कहाँ पे बनाना है? ये जो स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही ऐसे हमें अच्छे से प्रॉपरली डॉट बनाना है. तो आपको अच्छे से ऐसे पूरा पेज कंप्लीट करना है. तो चलो ऐसे ही हमें टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में अच्छे से आम से अंगूर कंप्लीट करना है. और आगे के जितने भी स्वर हैं हमारे उतने आपको रिवीजन करना है और रोज ओरल भी करना है. अब हमारा एक ही स्वर आम से कुछ नहीं, यानी कि अह से खाली वो कर दे, तब हमारे सारे स्वर कंप्लीट हो जाएंगे. थैंक यू.